शिट, आपने वो देखा क्या? क्या क्या? ऐसा लगा ना कि कुछ गया। ये रोंगटे खड़े हो गए। एसी क्या पूरा ही बंद करो भैया, एसी एक्चुअल ठंड लग रहा है। अब ये तो देखना अबैंडनड बिल्डिंग्स है यहाँ पे। कि अपनी तरफ आ रहा हूँ, पर एकदम से फिर कैसे गायब हो गया? डर दिया, डराने के लिए बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रही सुबह। वहाँ देख पूल की तरफ। अरे शिट, मैंने चलो। Hi guys, this is Amma and welcome back to my channel. आज हम करने वाले हैं, आप लोगों ने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, दैट इज 11 माइल्स रिचुअल। और आप लोग बोलते रहते यार स्पिन द व्हील थोड़ा बोर हो गया, तो मैं सोचा चलो ठीक है एक पर्टिकुलर रिचुअल कर लेते हैं जो हमने अभी तक नहीं करा है, दैट इज 11 माइल्स रिचुअल। और हम अपनी गाड़ी में ऑलरेडी आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 11। मैं और ज़्यादा लेट अपने घर से निकल नहीं सकती थी, तो मैं 11 बजे निकला और हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऑलरेडी बहुत ही अंधेरा वैसे भी रहता है, तो कैन नॉट डू मच अबाउट इट। आपको 11 माइल्स रिचुअल के बारे में अगर नहीं पता तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 11 माइल्स रिचुअल एक ऐसी रिचुअल है जिसमें आप कोई एक विश मांगते हैं, आपको एक हॉन्टेड सा एरिया अराउंड, दैट मीन्स फॉरेस्ट के अराउंड वाली रोड को जाना है, और वहाँ जाके आपको उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक विश आपकी मतलब डीप विश आपको लेनी पड़ती है, एंड उसके बाद आपको 11 माइल्स क्रॉस करने हैं। और हर एक माइल में आपको कुछ ना कुछ फील होता रहेगा जो मैं आपको उस टाइम बताती रहूँगी, अगर जो भी होता है नहीं होता जो भी है। एंड एंड में आपने 11 माइल क्रॉस कर ली तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। ये है रिचुअल और बहुत ही पुराना अर्बन लेजेंड टाइप है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, घर वालों की डांट पड़ने वाली है क्योंकि मैं इतना लेट निकल रही हूँ, तो उसके लिए भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि कोई स्कैरी सा मिल जाए, पर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी झाड़ वगैरह हो रखी है, बिल्कुल ही फॉरेस्ट है। बगल में इधर भी फॉरेस्ट है, इस साइड भी फॉरेस्ट है, और पूरा ना बिल्कुल सुनसान है। एक इंसान नहीं दिख रहा हमें, एक इंसान। और अब ढूंढते हैं और फिर चालू करते हैं अपना 11 माइल्स। ओके गाइस, तो हम लोग अब यहाँ रुके हैं एंड यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आगे बिल्कुल सुनसान सी जगह है, हाईवे टाइप सी रोड सी लगती है बट बिल्कुल सुनसान है। और बगल में इस साइड जिन्हों के बगल में तो पूरा फॉरेस्ट है ही, और इस साइड भी आपको दिख रहा होगा कितना अंधेरा है, लाइक घुमा के देखा कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो अब हमने सबसे पहला सिर्फ यही करना है कि हमें एक डीप विश मन में रखनी है, तो मैं डीप विश मांग लेती हूँ एंड देन हम 11 माइल स्टार्ट करते हैं। सो डीप विश, ओके मांग ले, चालू करते हैं। मेरे लिए कुछ अच्छा मांगा क्यों? नहीं। फर्स्ट जो है उसमें लिखा होता है जब आपका एक माइल हो जाएगा तो आपको ठंड लगने लगेगी, एंड ठंड तो ऐसे मुझे नहीं लग रही, पर एसी चल रहा है तो बेसिक जो ठंड एसी की होती है वो लग रही है, बट इसके हिसाब से ये कि आपको ठंड लगने लगेगी और आपको अपना हीटर ऑन कर लेना है। तो हमें ठंड नहीं लग रही है तो हम अभी हीटर ऑन नहीं कर रहे हैं। सो अब दूसरे माइल की तरफ चलते हैं। चिन्हू क्रिकेट्स वाली आवाज़ नहीं, कितनी क्रीपी है ना, और बाप रे चलो भी एकदम से कोई आके तेरा फोन पकड़ ले तो। Why would you say that? वो एक्चुअली ना बाहर से खराब आवाज आ रही है, कुछ रोने जैसी। बोल। सेकंड माइल में ये है कि ना द टेंपरेचर विल कंटिन्यू टू ड्रॉप हियर, नाउ इज अ गुड टाइम टू टर्न द हीटर ऑन, एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी यू आर अबाउट टू गेट इनटू थिक ऑफ थिंग्स। थिक ऑफ थिंग्स? उसका क्या मतलब? मोटी चीजों में फंसने वाले हो? हमें तो स्टिल अभी ऐसा ठंड नहीं लग रही, एसी थोड़ा मैंने कम जरूर कर, तेरे को लग रही है? मैंने एसी थोड़ा कम तो कर दिया। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चल रही है यहाँ पे, मतलब आगे का मुझे कोई पोर्शन ही नहीं दिख रहा। दिख रहा तेरे को? मानी ठंड भी नहीं हो रखी है, मतलब आप लोगों को साइड में थोड़ा थोड़ा भी अगर रोशनी दिख रही हो ना तो मतलब कई जगह पे रोशनी है पर सड़क पे बिल्कुल नहीं है, लाइक सामने बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जेट ब्लैक दिख रहा है सर। क्या फॉगी फॉगी हो रहा है धुआ धुआ जैसा। अब अपन थर्ड माइल में आ गए हैं। थर्ड माइल में ऐसे लिखा है कि मतलब अगर ट्रीज में मतलब ट्रीज की कैसी भी शेडोज दिख रही हो ना तो उसको ध्यान मत देना, चाहे वो कैसी भी बिल्कुल ह्यूमन जैसी लग रही हो तो भी उस पर ध्यान नहीं देना। अरे यार तो ट्री ही ट्री है। अब ठंड लग रही है यार।
शिट, आपने वो देखा क्या? क्या क्या ऐसा लगा ना कि कुछ गया। मुझे सीरियसली लगा था यार वहां पे कुछ दिखा, पता नहीं आप लोगों को भी दिखा कि नहीं दिखा। चौथा माइल फोर के लिए लिखा है कि है ना, मतलब अगर तुम्हें कोई भी ऐसी अजीब आवाजें आए तो उसको इग्नोर करना, चाहे वो तुम्हें कैसी भी ह्यूमन की आवाजें लग रही हो। यार ये इतना अजीब सा क्रीपी सा क्यों है ये रिचुअल? कि पहले तो ट्रीज की वो आ रही थी, अब उसके बाद आवाजें भी आएंगी। मेरे को पांचवे तक तो जाने की इच्छा भी नहीं है चिन्नू। शिट, यहाँ पे शमशान घाट है चिन्नू, यहाँ पे शमशान घाट है बेटा। साइड से देखो कैसे अंदर की तरफ ये झाड़ आ रहा है। कहाँ तक पहुंच गया हम गाइस? काफी देर से ड्राइव कर रहे हैं एंड हम धीरे धीरे तो बिल्कुल ही अब ड्राइव नहीं कर रहे थे, तो हम सोचे थोड़ा तेजी कर ले और माइल खत्म करें। तो हमारा पांचवा माइल आ चुका है। पांचवा माइल में क्या है? अमावस्या पे निकले अपन ये काम करने। कीड़ों की आवाज जरूर आ रही है और कितने बड़े बड़े हैं, लाइक कितने ही पुराने होंगे। पता नहीं आज तो मून ही नहीं है यार। हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही अंधेरा होते जा रहा है। पता है माइल सिक्स में तो बहुत ही अजीब लिखा है, इसमें लिख रहा है कि ना अब ट्रीज तुम्हें शायद हाँ दिख रही है परछाई वगैरह। फिर वहाँ कोई चल रहा है ना जिन्नू? कहाँ? वो सामने जिन्नू, अब नहीं दिख रहा यार। आई स्वेयर मुझे कुछ दिखा था अभी कि मैं अपनी तरफ आ रहा हूँ, पर एकदम से फिर कैसे गायब हो गया? यार दिया डराने के लिए बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रही, आई स्वेयर यही कहीं था ना। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट अब हम लोग लिटरली गांव वाले एरिया में घुसने वाले हैं ऐसा लग रहा है। और आगे जाने का ट्रैक। शिट यार। क्या? माइल 7 आ गया और इसमें से लिखा है कि अगर आपकी मतलब है ना, अगर कोई भी आवाज आए आपके बैक सीट में से तो मुड़ के मत देखना। बस अब तो थोड़ा ज्यादा बोल दिया चिन्नू। मीन्स एक्चुअली इसमें से लिखा है कि ना डू नॉट टर्न अराउंड अगर तुम्हारी बैक सीट में से भी कोई आवाज आए तो। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एसी क्या पूरा ही बंद करो भैया, एसी एक्चुअल ठंड लग रहा है। अभी तो देखना अबैंडन्ड बिल्डिंग्स है यहाँ पे। देख ये वाली, देख ये वाली कितनी सिक्योरिटी है, खतरनाक वाली है ना। अपने पीछे कोई नहीं है ना। ओह शिट, ऐसे मत बोलो। और कोई हुआ भी तो तू मुड़ना, मैं नहीं मुड़ूंगी। अब 8 में भी यही था कि है ना पीछे से कोई आवाज आएगी। रुकना नहीं है, तुम्हारी हेडलाइट्स फ्लिकर करेगी ऐसे, बट रुकना नहीं है। तो फिर अपन को लेके लेने जाने वाला भी नहीं, अपन को तो गाड़ी ठीक भी करनी नहीं आती। जल्दी अभी 10th पे ये है कि है ना अपने रियर व्यू मिरर पे मत देखना। उतना मैंने देखा, उतना में मेरा दिमाग गया कि मैं देख लूं। कुछ नहीं है ना? नहीं तो कुछ नहीं। वैसे वहाँ क्या है यार? कहाँ पे? वहाँ देख पूल की तरफ। अरे शिट, मैंने चलो ये उठा लो, ये उठा नहीं है इधर। शिट गाइस, हम जस्ट अभी घर पहुंचे हैं एंड बहुत ज़्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस आया। और लाइक लिटरली हम लोग, हमारी है ना हालत ख़राब हो गई, कंसीडरिंग हम लोग लड़कियां भी और हम लोग अकेले गए थे ना, तो हमको ऐसा लगा कि हमने ना कुछ देखा था। चिन्नू रो क्यों रही है, क्या हो गया? कोई बात नहीं, सोके अपन घर आ गए, डोंट वरी। एक पोल के वहाँ ना, तब शायद कैमरा बंद हो गया, आई डोंट नो कि क्लिप होगी नहीं, हमने ढूंढा भी क्लिप है कि नहीं, पर कुछ भी नहीं था।
कि एकदम से हम ना एक पोल पे एक चीज दिखी जैसे कुछ कुछ शैडो सी, और हम लोग मेरी तो पहले चिन्नू को दिखी, मुझे दिखी, फिर मैं चिन्नू को दिखाई, तो फिर चिन्नू को भी दिखी, तो फिर मैं समझ गई कि भैया एक्चुअल में कुछ है। तो हम लोग ने वहीं पे लिटरली यू टर्न भी नहीं था, और मैंने कैसे तैसे करके वहीं उसी रोड पे घुमा दिया और रॉन्ग टर्न लेके चली गई मैं, मतलब लिटरली रॉन्ग साइड होकर चली, क्योंकि तब भयंकर समझ में नहीं आ रहा था क्या था, लिटरली बहुत है ना। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर, एंड दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर ऐसे आप और अगली बार आप ऐसे अगर ऐसे गाइस आपको रिचुअल चाहिए तो प्लीज नीचे बोल देना, और नीचे प्लीज ये बोलना कि हम आपका रिचुअल नहीं देखेंगे अगर आप चिन्नू के साथ नहीं करोगे, तो प्लीज ऐसे कर देना जिससे चिन्नू आ जाए रिचुअल, मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सो दैट इज इट गाइज, आई होप वीडियो पसंद आया हो, और अगर बाई चांस आपको गाइज कुछ भी दिखाओ जो हमको शेडोज में नहीं दिख पाया हो या कुछ भी, तो प्लीज नीचे कॉमेंट करना, मैं सब रीड करूंगी एंड हार्ट भी दूंगी। अगर आपको कुछ दिख जाए तो प्लीज टाइम स्टैम्प लगा के ना उसके नीचे लिख देना कि आपको क्या दिखा, जिससे मैं भी चेक कर पाऊँ टाइम लगा के। एंड या दैट इज इट गाइज, नाउ वी विल सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज, स्टे सेफ। लिटरली हमारी एलिवेटर की लाइट भी ऐसी हो रही है आज, पता नहीं मतलब दिख रहा है क्यों कर रही है पता नहीं, और बाकी सारी खराब भी हो गई, और ये कैसे मरने की हालत में पता नहीं यार, जल्दी चलो, पता नहीं दवा लगी।